हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आपका मतलब कि भर्ती जो 49568 भर्ती में जो भी स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, जो भी प्रोसेस चल रहा है, ठीक है, उससे रिलेटेड हम आपको टाइम टू टाइम सारी इन्फॉर्मेशन ला कर देते रहते हैं, ताकि आपके लिए हमेशा बेनिफिट्स हो, ना कि आप थोड़ी सी गलती की वजह से आपको सिलेक्शन से बाहर होना पड़े। तो फ्रेंड्स, बस इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए। और मेन इम्पोर्टेंट एक बात और फ्रेंड्स, आप निराश बिल्कुल मत होइए, क्योंकि अभी मैंने देखा, कमेंट्स देखा, तो बहुत सारे हमारे ऐसे फ्रेंड्स हैं, गर्ल्स प्लस बॉयज़, ठीक है, उनका यही कमेंट्स है। बहुत सारे हमारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो कि रनिंग से है, जो बाहर हो गए कुछ सेकेंड के लिए। आपको पता होगा टेक्नोलॉजी का प्रयोग करा जाता है, ठीक है, तो वो सेकेंडों से बाहर हो रहे हैं। तो आपको बिल्कुल भी निराश नहीं है यार, एक बार लाइफ में अगर फेलियर भी हो जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक पॉइंट वाली बात है, अगर आपको हार मिलती है तो आपको उससे सीखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हारने का मतलब यही होता है कि आप उससे सीखो और अपनी लाइफ को जो है और भी सक्सेस बनाओ। ये नहीं कि एक बार हार गए तो निराश हो गए, नहीं मुझसे नहीं होगा, कौन करेगा, कैसे होगा, मतलब आपके मन में बहुत सारे हो जाता है, ऐसा हो जाता है, हम लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना है। और आपके लिए एक अच्छी सूचना है इस वीडियो में, आपकी मतलब आपके ये भी कमेंट्स आ रहे थे कि क्या अब न्यू वैकेंसी नहीं है, तो आपके लिए भी अच्छी सूचना है, आप बस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, बिल्कुल भी आपको निराश नहीं होना, क्योंकि मैंने आपके कमेंट्स देखे तो मैंने सोचा यार मतलब हद है, और दुख होता है, मैं ये नहीं बोलती कि दुख नहीं होता है, लेकिन अगर हम उसी को लेकर जीते रहेंगे तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, भूल जाओ अब, और आगे की तैयारी अभी से और आज से स्टार्ट कर दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आपके सवाल क्या है, सबसे पहले तो हम 49568 भर्ती से रिलेटेड बात करेंगे, जैसे कि अभी लड़कों की रनिंग जो है ये प्रोसेस चल रही है, और प्रोसेस में अभी क्या हो रहा है कि जैसे कि आपको पता होगा बहुत ठंड है, प्लस टाइम की वजह से जो है लड़कों के मतलब टाइम से दौड़ नहीं हो पा रही है, इसलिए आपको पता होगा 31 तारीख को जिन भी हमारे फ्रेंड्स का दौड़ था, ठीक है, उनका सेकेंड शिफ्ट वाला बहुत सारे जोन पे जो है दौड़ नहीं कराई गई, और उनका जो है वो 5 जनवरी को उनको बुलाया गया है, और 5 जनवरी को ही उनका एडमिट कार्ड भी ऑफिशियली मतलब कि अपलोड कर दिया जाएगा, और सिंपली आप स्टेप बाय स्टेप डाउनलोड भी कर सकते हैं, हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है, और हम आपको बता देंगे, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं झेलनी है। अब देखिए, अब मतलब ये तो हो गई इन लोगों की बात जिनका जो है एडमिट कार्ड ओपन हुआ, प्लस उनका लिस्ट में नाम आया पेट लिस्ट में, लेकिन अभी आ जाती है एडमिट कार्ड की बात। जैसे कि अभी बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स ऐसे हैं जिनका जो है लिस्ट में भी नाम नहीं आया, प्लस एडमिट कार्ड भी डाउनलोड नहीं हो रहे हैं, और उनके साथ वाले स्टूडेंट्स का जो है वो हो रहा है, मतलब एडमिट कार्ड ओपन है, तो वो बहुत सारे परेशान, मतलब डेली टू डेली कमेंट्स आ रहे हैं, हमने आपको प्रीवियस वीडियो में भी इस पर बताया था। तो फ्रेंड्स, आप बिल्कुल भी परेशान मत हो यार, मतलब कि अभी हम आपको बता दें, अभी आपकी 2 लिस्ट और आएगी, ठीक है, रनिंग से रिलेटेड, तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। और ये कब तक आएगी, अब आपके मन में ये भी डाउट्स हैं, तो फ्रेंड्स ये जो आपकी लिस्ट है वो हो सकता है कि 5 तारीख तक जो है वो आपकी भी लिस्ट आ जाए, ताकि जो आगे की रनिंग की प्रोसेस है वो इंक्रीज हो सके, बढ़ाई जा सके, तो आपको बिल्कुल भी फिक्र नहीं करना है। और देखिए, मेडिकल से रिलेटेड आपके बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब जिन भी स्टूडेंट्स का दौड़ हो चुका है तो वो अब यही सोच रहे हैं कि मेडिकल कब होगा, और मेडिकल में क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है, हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन मेडिकल से रिलेटेड और नेक्स्ट वीडियो में दे देंगे, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। और आपकी छोटी सी गलती की वजह से आप मेडिकल से भी बाहर हो सकते हैं, तो हम आपको बताएंगे वो गलती आपको नहीं करनी। अब देखिए, उन लोगों के लिए अच्छी खबर है जो कि इस भर्ती में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है और अभी भी वो निराश बैठे हुए हैं, तो आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होना है। चलिए, अब आप एक अच्छी सी स्माइल करिए, और वीडियो पसंद आए तो यार लाइक वाइक भी कर दिया करो, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम देख लेते हैं क्या है आपके लिए अच्छी सूचना, लेट्स सी। तो जैसे कि आपको पता होगा, हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आपकी जो न्यू वैकेंसी है 52,000 लगभग आपकी न्यू वैकेंसी आएगी, ये होगी आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल की। अब ये हमारे बहुत सारे बुद्धिजीवी फ्रेंड्स होते हैं जो इसमें भी अब निकालेंगे कैसे आएगा, कब आएगा, क्यों नहीं आएगा, मतलब हद है यार, मतलब बस
हम तो यही कहेंगे आप तैयारी करो और इधर उधर की बातें बिल्कुल मत सुनो, क्योंकि ये जो है भर्ती बोर्ड की तरफ से पास कर दी गई है और नोटिफिकेशन का अगर आप वेट करोगे तो फ्रेंड्स तो हो गया सिलेक्शन आपका और गए आप फिर, ठीक है। तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए नोटिफिकेशन आउट होने के बाद आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता एग्जाम के लिए, देन आपको पहले से तैयारी अपनी स्टार्ट करनी होगी। अभी देखिए यहाँ UPSC 25,000 को नौकरी, मतलब 25,000 को नौकरी का मिला मौका, आप देख सकते हो 25,000 और भी आपकी जो नौकरी है वो आने वाली है UPSC में। प्लस यहाँ देखिए 15,000 नई भर्तियाँ, 10,000 की प्रक्रिया होगी पूरी और लेखपालों की मतलब कि 11,000 पद खाली। तो आपको पता होगा कि लेखपाल के पद खाली हैं, तो आपको पता होगा क्या क्या मतलब उसमें आपकी योग्यता होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स आपको उसी के बेस पर अपनी तैयारी करनी होगी और ये देखिए आपको बहुत ही अच्छा मौका है और ये आपके मतलब ना आप जो सोच रहे हो उससे भी ये बड़ा है, बस आप तैयारी कर दो 6 महीने, ठीक है। अगर आप 6 महीने भी अच्छे से पढ़ दोगे ना तो ये जो आपकी सिलेक्शन है ये होकर रहेगी। देखिए अधीन सेवा चयन आयोग UPSC नए वर्ष के करीब 25,000 पदों पर नई नौकरियों का अवसर देगा और इसमें लगभग 15,000 नई भर्तियां होगी, जबकि करीब 10 लाख रिक्त पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया जो है अंतिम रिजल्ट देने की तैयारी कर रही है। सबसे पहले आंसू लिपिक में रिक्त पदों पर भर्ती मतलब इसके बारे में बताया गया, तो आप यहाँ देख सकते हो कि जल्द ही आपके 25,000 जो पद हैं मतलब कि ये आपकी नौकरी आने वाली है, 15,000 नई भर्ती प्लस 10,000 जो प्रक्रिया पूरी होगी, उसके बाद से लेखपालों की 11,000 पद खाली है। तो फ्रेंड्स आपको बहुत ही अच्छा मौका मिलने वाला है, तो बस आप तैयारी अपनी जारी रखो और मुझे बस आपसे भी कोई यही इन्फॉर्मेशन देना था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।